चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की। उससे पहले यहां मैंने कुछ जो है बोर्ड पे लिखा है, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। ये जो बात है वो लिखी है मार्टिन लूथर किंग। इसका मीनिंग है सही काम करने के लिए जो समय होता है वो हमेशा सही होता है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उस दिन से करूंगा या परसों से करेंगे या कल से करेंगे, अगर आप कुछ सही काम करना चाहते हैं तो उस टाइम का इंतजार ना करें। सही काम करने के लिए जो समय होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, सही ही होता है। ये जो बात है वो मार्टिन लूथर ने कही थी। आप इसको विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ये एकदम फेमस पर्सन थे तो इसके बारे में आप सर्च करना, इनके बारे में आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की मैं बात करता हूं सबसेट की। जो है मेरा फर्स्ट जो है वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन थी अपने पास सबसेट। सबसेट, मैं दो सेट लेता हूं, लेट कर लेता हूं ए एंड बी, बी द टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हो या ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हो, बी के अंदर आते हो, तो मैं कह सकता हूं ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और उसको डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इस टाइप से डिनोट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है मेरे पास बी 1 2 3 and 4। ठीक, ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी इसके अंदर आ रहा है। मतलब ये कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं जो ए होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो मैं लिखूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी डेफिनेशन सबसेट की। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं बात सुपरसेट की, कि सुपरसेट क्या होता है। देखो यही एग्जांपल लेता हूं मैं, ए बी का क्या था, सबसेट था, ए बी का सबसेट था, तो बी ए का क्या होगा, बी ए का सुपरसेट होगा। ए बी का अगर सबसेट है तो बी ए का क्या है, सुपरसेट है। तो डेफिनेशन यहां से पता चल गई क्या सुपरसेट की क्या होती है। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है, तो यहां से डेफिनेशन पता चल गई इसकी, सुपरसेट की। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, वही दो सेट ले लेता हूं, एक मैं ए ले लेता हूं, एक सेट मैं बी ले लेता हूं। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये
कि ए बी का सबसेट तो होना चाहिए लेकिन ए और बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूं, यहां ए को मैं लेता हूं, सेट ए लिया और मैंने सेट बी लिया। यहां देखो दोनों एक जैसे हैं, सबसेट की कंडीशन ये थी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आने चाहिए। देखो वन वन आ रहा है, टू टू आ रहा है, थ्री थ्री आ रहा है, मतलब ये कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, या मैं कह सकता हूं बी भी ए का सबसेट है। तो कंडीशन होती है अगर ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो तो उस केस में ए और बी दोनों इक्वल होते हैं। और वैसे इक्वल की डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल। ए और बी दोनों इक्वल है और ए बी का सबसेट है, तो ये सबसेट वाली कंडीशन तो यहां लग गई, सबसेट है, लेकिन ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर सबसेट में ये सबसेट तो है लेकिन ये दोनों इक्वल भी है। तो प्रॉपर सबसेट में कंडीशन क्या होती है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहां एक क्वेश्चन आता है एनडीए के अंदर, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको यहां बता देता हूं क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो एक सेट ए है कंटेन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट ए है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। सेट ए के अंदर अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए के कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू टू की पावर एन। तो यहां कोई सेट ए है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं उस सेट के वो बनते हैं टू की पावर एन। तो उसके टोटल कितने सबसेट बने, टू की पावर एन सबसेट बने। अगर मैं इसके पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो उस केस में हमेशा क्या होता है, सबसेट से ए कम आता है, मतलब ये जो है वो हमेशा होंगे टू की पावर एन माइनस वन। तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे क्या कि अगर आपको एक सेट ए दे देता हूं, मैं एक सेट मैंने ए दिया और मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास है एट, तो बताओ ए के प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। तो आपको ए के प्रॉपर सबसेट बनाना है तो आपको क्या करना है, टोटल सबसेट कितने होंगे टू की पावर एट और इसमें से एक कम कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछता है प्रॉपर तब को आपको क्या करना है, माइनस वन करना है। अगर सिंपल वो सबसेट पूछे तब आपको लिखना है टू की पावर एट सबसेट बनेंगे। ओके नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, बाकी सारे के सारे सेट आ जाए, या मैं कह सकता हूं एक ऐसा सेट जिसके लिए बाकी के सारे सेट उसके क्या होने चाहिए, सबसेट हो जाने चाहिए। मतलब एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूं, जैसे मैंने एक सेट लिया ए वन टू थ्री, एक सेट लिया मैंने बी वन फोर फाइव, एक सेट लिया मैंने सी फाइव सिक्स सेवन और एक डी सेट लिया एट नाइन, और मैंने एक सेट यू माना है जिसके अंदर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। देखो ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट भी यू के अंदर आ रहे हैं, सी के सारे एलिमेंट भी यू के अंदर आ रहे हैं और डी के सारे एलिमेंट भी
यू के अंदर आ रहे। मतलब ये कि ए भी यू का क्या है, सबसेट है, बी भी यू का क्या है, सबसेट, और सी भी यू का क्या है, सबसेट, और डी भी क्या है, यू का सबसेट। मतलब ये कि चारों के चारों सेट इस सेट के क्या है, सबसेट। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, यू। तो यू क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे उसके क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। तो उस सेट को आप एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करके चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यू यहां आ गया मेरे पास, यूनिवर्सल सेट आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। एक सेट ए है, हाईलाइट कर लेता हूं, ए बी एनी सेट, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करेंगे इस चीज से, और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी को मैं क्या कर दूंगा, एक सेट की फॉर्म में लिख लूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, एक पावर सबसेट आ जाएगा। मतलब ये कि इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जो एक्स होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ए का। तो मैंने इसको सबसेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, और जो एक्स होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, ए का क्या होगा, सबसेट होगा। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आते हैं किसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, जितने एलिमेंट, जितने ए के सबसेट बनते हैं उतने पावर सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं। मतलब अगर ए के अंदर एन एलिमेंट है तो टू, इसके अंदर जितने एलिमेंट आएंगे टू की पावर एन एलिमेंट आएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कभी, तो पावर सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, टू की पावर एन। तो या तो वो पूछे कि ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं, तो भी आंसर क्या रहने वाला है, टू की पावर एन। अगर वो ये पूछे कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो वो भी आंसर क्या रहने वाला है, टू की पावर एन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी डेफिनेशन मेन मेन, इसके अंदर जो है पावर सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। तो नेक्स्ट जो है करेंगे इस पे बेस क्वेश्चन, और काफी स्टूडेंट्स का जो है एक डाउट रहता है, मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि एनडीए की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक कौन सी है। तो यहां जो है मैं बेस्ट बुक मैं आपको एक ही जो है एडवाइस देने वाला हूं, अरियंत की पाथ फाइंडर के नाम से एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है वो। अगर आप उस बुक को करते हो तो जहां तक मुझे पता है आपके 60-70 जो है परसेंट नंबर आराम से आ सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से करते हो। यहां जो मैं आपको वही बुक करवाने वाला हूं, उस बुक में जितने भी क्वेश्चन है उनको सभी को एक शॉर्ट वे से और कंसेप्ट वे से कैसे कर सकते हैं वो मैं यहां आपको करवाने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, जो बुक है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, इसी बुक से मैं सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और एक बुक और है जो है अरियंत की ही है, लेकिन स्पेशल मैथमेटिक्स की जो बुक आती है वो, तो ये भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी बुक, तो इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो यहां से इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं देखता हूं आपको करवाता हूं यहाँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, ठीक है जी, आपने वो ये बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो इनमें से ये बताना है कि इनमें से नल सेट कौन सा होगा। तो नल सेट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, नल सेट कौन सा होता है, नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए। तो देखो अगर मैं ऑप्शन ए को लेके चलूं, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए है अपने पास एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स जो है वो आर को बिलोंग करता है, और यहां जो वैल्यू दी हुई है वो कहता है कि 4x² - 1 = 0। तो देखो एक्स एक्स जो है वो आर को बिलोंग करता है, और यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4x² = 1। दिस इंप्लाइज
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट आ गए, एक तो माइनस का 1/2 और एक प्लस का 1/2। तो ये तो नल सेट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना रॉन्ग है। इसने ये पूछा था कि नल सेट, तो ये तो नल सेट नहीं है। ठीक, उसके बाद बी ऑप्शन की बात करता हूं मैं। जो बी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है वो है x इज ओड एंड x प्लस 3 इज इवन। ठीक है, x टाइप के एलिमेंट है, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और ये कहता है कि x इज ओड एंड x प्लस 3 इज इवन। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 1 पुट करो, x अगर 1 है तो देखो 1 + 3 क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब ये भी नल सेट नहीं होने वाला। देखते हैं सी। सी ऑप्शन अपने पास था, इसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है और जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, और एक्स की जो क्यूब है वो अपने क्या कर रखी है, सॉरी एक्स का जो स्केयर है वो लेस देन 3 अपने को दे रखा है। ठीक है, एक्स आर को बिलोंग करता है और एक्स का जो स्केयर है वो लेस देन 3 है। देखो एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 का स्केयर 3 से छोटा आएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 अगर होगी तो 1 का स्केयर भी क्या आता है, 3 से छोटा, तो 1 के लिए भी क्या रहने वाला है, ट्रू। इसका मतलब इस सेट के अंदर ये दोनों एलिमेंट तो आने फिक्स हैं। ठीक है, इससे छोटे भी तो आ सकते हैं, क्योंकि एक्स क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर के केस में कुछ भी है, तो मतलब ये है कि ये एम्प्टी तो नहीं रहने वाला, खाली तो नहीं रहने वाला। अब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को कैसे करेंगे, देखो ये कहता है कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और x किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, और x का जो स्केयर है वो लेस देन 0 है। तो देखो फ्रेंड्स, कोई मर्जी नंबर ले लो, चाहे 0 ही क्यों ना ले लो, 0 का स्केयर कभी 0 से छोटा नहीं आता, 0 इज नॉट इज लेस देन 0। तो कोई मर्जी नंबर ले लो, आपको इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई x मिलेगा ही नहीं जो किससे छोटा हो, जिसका स्केयर किससे छोटा हो, 0 से। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आने वाली। इसका मतलब ये जो सेट है वो अपना क्या है, नल सेट है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा आपको साथ के साथ, वो जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिखता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। तो ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कहता है कि टू फाइनाइट सेट्स Having m and n elements, ठीक है जी, the total number of subset of a first set is 56 more than the total number of subset of a second set, ठीक है। तो देखो मैं सेट ए मान लेता हूं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो मान लेता हूं कितने हैं, m है, और एक सेट में मान लेता हूं b, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, n। मैंने दो सेट मान लिए, एक के जो अंदर एलिमेंट है m और दूसरे में है n, ठीक है। ये कहता है कि ए के जितने सबसेट बनेंगे, क्वेश्चन क्या था, ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट मैंने ए माना है, सेकंड सेट मैंने बी माना, इसके जितने भी सबसेट बनते हैं वो कितने ज्यादा है, 56 ज्यादा है इसके सबसेट से, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर n, मतलब n कितना, उसके अंदर नंबर जितने होंगे। तो ए के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर m सबसेट बनेंगे, और जो 2 की पावर m है वो 56 ज्यादा है किससे, 2 की पावर n से। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इस टर्म को मैं इस साइड में लेके आता हूं, 2 की पावर m माइनस में 2 की पावर n इज इक्वल टू 56, ठीक है। यहां देखो अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेते हैं, इसमें से 2 की पावर n कॉमन लेते हैं, और यहां बचेगा 2 की पावर m माइनस में n माइनस 1 इज इक्वल टू 56, ठीक है। 56 को मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 7, इसको मैंने 8 × 7 लिया, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 7, 8 को तो मैंने 2 की पावर 3 लिखा, ठीक है, और 7 को मैं लिख लेता हूं
एट माइनस में वन, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं या मैं इस एट को मैं दोबारा से चेंज कर लेता हूं, टू की पावर एन, टू की पावर एम माइनस में वन इज इक्वल टू टू की पावर थ्री, और इसको लिख लेते हैं टू की पावर थ्री माइनस में वन, ठीक है। कंपेयर करते हैं, अगर मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करूं तो यहां देखो टू की पावर एन और यहां क्या है टू की पावर थ्री, इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। और यहां देखो टू की पावर एम माइनस में वन, एम माइनस में एन, और यहां अंदर अगर मैं देखूं तो टू की पावर कितनी है थ्री, इसका मतलब एन माइनस में एन इज इक्वल टू थ्री, और एन की वैल्यू थ्री तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया सिक्स। तो ये क्वेश्चन था अपने पास, m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास सिक्स आ गई, तो m की वैल्यू निकालनी थी n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो क्या आ गया सिक्स एंड थ्री, तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट है वो वह b, तो b ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, पहले जो है मैं आपको इसमें से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं जो है आपको लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हाँ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो क्वेश्चन है ये कहता है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट वन टू थ्री इज, एक सेट दिया हुआ उसको मैं नाम दे लेता हूं, कितना दिया हुआ है ए, वो क्या दिया हुआ वन टू थ्री, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका जो ऑप्शन है ए वो कहता है सिक्स, बी ऑप्शन इज थ्री, सी ऑप्शन इज सेवन एंड डी ऑप्शन इज एट। इसका क्वेश्चन ये है कि बताओ कि इसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आप इसके टोटल सबसेट निकालो, तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास थ्री, तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे टू की पावर थ्री, कितने मर्जी एलिमेंट हो इसके अंदर उसको उसकी पावर में लिख देंगे टू की पावर में लिख देंगे, अगर इसमें फोर एलिमेंट होते तो टू की पावर फोर। अब ये जो आंसर आया मेरे पास आया एट, ये आए मेरे पास टोटल इसके कितने सबसेट, जो टोटल सबसेट है उसमें से हमेशा क्या कर देना है आपको एक कम कर देना है, तो कितना आया सेवन, तो ये आगे ए के टोटल प्रॉपर सबसेट। तो इजी सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन जो है इसका कितना सही होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो सी है अपने पास सेवन, तो सी जो ऑप्शन है इसका अपने पास क्या है करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री, जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आप जो है मेरे को जो क्वेश्चन है वो ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो सेट थ्योरी से रिलेटेड, उसका जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ आपको करवाऊंगा, आप मेरे को सेंड कर सकते हैं उसका क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों का जो आंसर है आपको यहाँ बोर्ड पे करवाऊंगा, और मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।